हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया, इसे पियो मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बायथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा, क्यों? ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूं तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूं मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में, टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले, टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए, ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा करूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर, कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर, मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ, जिससे मैं रेस जीत सकूं और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों तुम बताओ, ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रेटजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। मैं भी रेडी हूँ।
बायथलोन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी, पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है, इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे दो लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। और ये लोग निकल चुके हैं, देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं, शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का एक लैप बाकी, खिलाड़ी नंबर 12 ने अभी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए। और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, उबेद। उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो उबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। एक सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। उबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए। क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई, शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है, क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा, माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया।
नासिर, नासिर, नासिर। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉफी प्लांटेशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। इंटरनेट पर लिखा है कि इस आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स है। नासिर, क्या ये सच बात है? हमें दिखेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हमें कमोडो ड्रैगन्स तो कमोडो आइलैंड पर ही दिखेंगे। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगे कि इंडोनेशिया के सभी आइलैंड्स पर कमोडो ड्रैगन्स मौजूद है। जाओ बैठो, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बिजी हूँ, परेशान मत करो। लेकिन फ्लोज में लिखा है कि वो यहाँ पर। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे मेरी कॉफी प्रोडक्शन की रिपोर्ट पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। बच्चों, जब हम लैंड कर रहे थे तब एक इंडिकेटर लाइट जल गई थी, मुझे यहाँ पर रुककर रिपेयर के काम पर नजर रखनी होगी। पर डैड, आपने वादा किया था कि हम साथ मजे करेंगे। जानता हूँ मंसूर, और मैं सच में आना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, और इसीलिए नासिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर मुझे भी जरूरी काम करने हैं। घबराओ मत, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं डैड। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया, चलो चलते हैं। हेलो सर, आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो। बैठो बैठो बैठो, जल्दी चलो चलो। हाँ, बस करो। ये जगह तो काफी अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। चलो चलो, बस करो, चुप रहो। मैं देखता हूँ बच्चों, क्या आप इस आइलैंड की दूसरी तरफ घूम कर आना चाहेंगे? तुर्की, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, तो तुम रुक के मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। क्या मैं जानता हूँ जानता हूँ, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ, मजे करना। ठीक है, चलो दोस्तों, आज तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? क्या? हाँ वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे डरने की आवाज आ रही है। और तुम्हारे दांत कांपने की भी। ओ, ये तो एक कोमोडो ड्रैगन है। चलो भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था मुझे आवाज आ रही थी। चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं। कॉफी इंसान को अरेबिया का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। सही कहा। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। लगता तो नहीं कि ये यहाँ से कहीं जाने वाला है।
नानो इसे भगा देगा। नानो, क्या तुम इस कमोडो ड्रैगन का ध्यान भटका सकते हो? जरूर मंसूर, कमोडो ड्रैगन को भटकाने का काम अब शुरू होता है मंसूर। हाँ चलो भी। जंगलों में जब ये उग रहे होते हैं, इन बीन्स की कोई खास कीमत नहीं होती है तुर्की, पर एक बार एक कॉफी बन जाए ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें बन जाती हैं, समझ गए तुम? माफ करना, मैंने बिना देखे भागा। मैं कोमोडो ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा था। कहीं ये वही कोमोडो ड्रैगन तो नहीं जो बहुत वक्त से मेरी फैमिली को सता रहा है? हमारे पास पहले 4 भैंसें थी जो खुशी खुशी हमारे खेतों में घास चरने जाती थी। फिर एक गायब हो गई और हमारे पास 3 ही रह गई, और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 ही रह गई, और अब हमारे पास एक ही भैंस बची है और वो इतनी डरी और घबराई हुई रहती है कि उसने दूध देना ही छोड़ दिया है। एक तरकीब है जो इस कमोडो ड्रैगन की दिक्कत को हल कर देगी, तो सुनो। हंड्रेड मीटर्स, 75 मीटर्स, 50 मीटर्स। वो आ रहा है। 25 मीटर्स, 15, 10 मीटर्स, भागो! खींचो! दोस्तों, मेरे ख्याल से अब कमोडो ड्रैगन की आने की आवाज अब सब सुन पाएंगे। वो रहा वो घटिया सा कमोडो ड्रैगन, भागो यहाँ से। सारे अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग किस्म की मिट्टी और रोस्ट करने की तकनीक से बनते हैं। समझ गया नासिर। बहुत ही गजब की बात है, इसमें मिलने वाले फ्लेवर्स की लिस्ट मानो कभी खत्म ही नहीं होगी, और अभी तक हमने आफ्टर ब्रू एडिटिव्स का नाम लिया ही कहाँ है, जैसे कि कैरेमल या वेनिला। दोस्तों यकीन मानो, नासिर कोमोडो ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला था। तुम देखते तो हैरान हो जाते। सच में? सच में, मैं बता रहा हूँ ना, वो इतने करीब था। हम भी काफी करीब आ गए थे, पर हम भागे नहीं। सच में, तुम मानोगे नहीं, पर हमने एक परिवार के खेत को कोमोडो ड्रैगन से बचाया। ड्रैगन को हरा दिया। वो भी एक घंटी से। क्या हुआ नासिर? मैंने कहा था ना, कोमोडो ड्रैगन नासिर को अपना नाश्ता बनाने वाला था। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? मैंने कोशिश की थी। तुमने तो कोमोडो ड्रैगन की याद दिला दी। क्या कहा? कोमोडो ड्रैगन कहा?
बच्चों स्वागत है। प्लीज आप साथ में रहे, सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था बच्चों। यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है, वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका, चले चले। देखो स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेराटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ? जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा, उनका कवच ट्राइसेराटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टीरेक्स। हाँ, टिरानोसॉरस रेक्स टिरेंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों अब हम उसे देखते हैं। ओ, रोबोट टीरेक्स, चलो चले। हाँ बच्चों शोर नहीं। तो बच्चों टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी। हाँ वो तो है, 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब। इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टीरेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ ये तो एक खुली तार है। हाँ इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दें तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ। हाँ? मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो, मुझे मालूम है क्या करना है। देखा ये हो गया। अरे नहीं। अच्छा डायनासोर। के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर तुम बच गए तो। मंसूर प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो। वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही, हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। बाग की तरफ चलो, जल्दी चले। ओ, 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 ओ,
आगे से वह सब बढ़िया है। हम पीछे ही है, बस तुम वही रहना। पर मैं इस पर से उतरूंगा कैसे? ओह, मैं बच गया। अभी के लिए यहाँ से नीचे उतरना अभी बाकी है। शुक्रिया। हमें अभी उसे पकड़ना होगा इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुँचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है। सुना तुमने, पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज। मिल गया। देखो क्या स्विच उसके अंदर है दोस्तों। बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ। सालम, तुम इस तरफ से पकड़ो। उबेद, तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों, तुम बस यही रुकना। मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊँगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो, ट्रेन के डब्बे। उसका देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ। मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या दिखाया? मंसूर कहाँ है? हेलो, शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बाद में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर, क्लिक करेंगे।
समाज में परिवार जरूरी है। आपके पेरेंट्स आपके लिए जो कुछ भी करते हैं, आप उनकी इज्जत और कदर कर सके, इसलिए हम आपको उनकी जगह पर रखने वाले हैं। इन चूजों को अपने घर ले जाकर इनकी देखभाल करो। मजा आएगा। ओ वाह। फिर आप अपने अनुभवों के बारे में एक रिपोर्ट लिखेंगे। क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम दोनों को ये अंडे मिलेंगे जो बस फूटने ही वाले हैं। तुम्हारा इनसे रिश्ता बहुत मजबूत होगा। क्या बात है, मुझे नहीं लगता ये असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल होगा। ये देखभाल का काम आसान नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ये इतना मुश्किल नहीं लगता। ये तो जहाँ मैं जाता हूँ पीछे पीछे आता है। देखो देखो कितना आसान है। ये असाइनमेंट वाकई में दिलचस्प होगा, पर मैं इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज पर काम कर रहा हूँ। चलो हम घर चले। दोस्तों, ये रे गन दुनिया भर की भूखमरी की तकलीफ को मिटाने में बहुत मदद करने वाला है। जब मैं इस छोटे से चावल के दाने पर इसे चलाऊंगा तो इसका साइज हजार गुना बढ़ जाएगा। तुम बस देखते रहो दोस्तों। इसमें बस एक ही दिक्कत है, वो है इसका निशाना। मैंने इसे अभी ठीक किया, अब ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, बस देखते जाओ। ये अपनी साइज से हजार गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, क्या तुम इस पर अब भी काम करना चाह रहे हो? जल्दी, इस चूजे को वक्त रहते ही यहाँ से निकालना होगा। मदद करो। जल्दी। इस बार तुम सबने ये कैसी मुसीबत खड़ी कर दी? तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? ये बात तो हर कोई जानता है। तुम हर न्यूज चैनल पर हो, देखो। अच्छा, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें बस रेगन के असर को रिवर्स करना है और मैं इस चूजे को फिर से छोटा कर दूंगा। अच्छा प्लान है, मगर तुम्हें ठीक से निशाना लगाना पड़ेगा। कस के पकड़ो। तुम्हारे इस रेगन के असर को पलटने में कितना वक्त लगने वाला है? ज्यादा नहीं।
ये तुम क्या कर रहे हो मंसूर? मैग्नीफाइंग ग्लास को पलट रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इसका निशाना ठीक कर रहा हूँ। मंसूर जल्दी करो। हो गया। जल्दी करो निशाना लगाओ। मुझे इसे टेस्ट करना होगा। साइंस के कामों को कभी इतना आसान नहीं समझना चाहिए ओबेद। देखा जाए तो नहीं कामे देरी कैसी। ये क्या हो रहा है? शायद तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से। मैं इसका निशाना ठीक किए बिना इसे चलाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, इसे ठीक करके निशाना लगाओ जल्दी। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आ गया। मंसूर प्लीज इसे ठीक करो वरना वो चूजा जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। हाँ और वैसे भी और कितना वक्त लगेगा मंसूर? करकूर के खाने का टाइम हो गया है। ओबेद तुम इस बेचारे चूजे को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? वो बहुत डर गया होगा। मैं और करता भी क्या, करकूर मेरे पीछे पीछे घूमता है। ये ऐसे ही होते हैं, अगर ये अंडे से निकलते ही तुम्हें देख ले तो तुम्हें अपनी माँ मान लेते हैं। तो ये बस तुम्हारे पीछे घूमता है? हाँ। मतलब तुम्हारे पीछे आता है? हाँ। तुम दोनों एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चूजा हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? जैसे मेरा चूजा भी तो दिन भर हमारे पीछे ही है। वही तो। हम जान गए इसे क्या चाहिए। हमें बस इसे एक मैदान में ले जाना है ताकि मैं इसे वापस नॉर्मल साइज का बना सकूं। तो प्लान क्या है? चलो पार्क चलते हैं। मंसूर तुम्हें यकीन है ये करना ठीक होगा? मुझे भी नहीं पता, मैं खुद नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, पर हमारी बनाई मुसीबत हमें खुद ही ठीक करनी होगी। मेरे पास आओ मेरे दोस्त। जल्दी चलाओ मंसूर, जल्दी चलाओ। जल्दी चलाओ। देखो इसे बस यही चाहिए था, थोड़ा सा प्यार। मैं देखना चाहूंगा तुम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखोगे। मेरी रिपोर्ट? मुझे नहीं लगता बली सर चौंकेंगे। Thank you.
हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया, इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बायथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा, क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूं तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूं मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कॉम्पिटिशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में। टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले, टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए, ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा कर रहूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर, कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर, मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ, जिससे मैं रेस जीत सकूं और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों तुम बताओ, ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रेटजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। हम्म,
मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। जूनियर बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी, पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है, इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे दो लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। और ये लोग निकल चुके हैं, देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं, शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का एक लैप बाकी, खिलाड़ी नंबर 12 ने अभी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, उबेद। उनका मतलब हमारे से था, जल्दी करो उबेद वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। एक सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। उबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, यह काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए, क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है, बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं, अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है, क्या रेस हुई शानदार, खिलाड़ी क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है, क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा, माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया।
नासिर, नासिर, नासिर। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉफी प्लांटेशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। इंटरनेट पर लिखा है कि इस आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स है। नासिर, क्या ये सच बात है? हमें दिखेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हमें कमोडो ड्रैगन्स तो कमोडो आइलैंड पर ही दिखेंगे। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगे कि इंडोनेशिया के सभी आइलैंड्स पर कमोडो ड्रैगन्स मौजूद है। जाओ बैठो, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बिजी हूँ, परेशान मत करो। नहीं, लेकिन फ्लोज में लिखा है कि वो यहाँ पर। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे मेरी कॉफी प्रोडक्शन की रिपोर्ट पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। बच्चों, जब हम लैंड कर रहे थे तब एक इंडिकेटर लाइट जल गई थी, मुझे यहाँ पर रुककर रिपेयर के काम पर नजर रखनी होगी। पर डैड, आपने वादा किया था कि हम साथ मजे करेंगे। जानता हूँ मंसूर, और मैं सच में आना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, और इसीलिए नासिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर मुझे भी जरूरी काम करने हैं। घबराओ मत, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं डैड। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया, चलो चलते हैं। हेलो सर, आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो। बैठो बैठो बैठो, जल्दी चलो चलो। बस करो। ये जगह तो काफी अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। चलो चलो, बस करो, चुप रहो। मैं देखता हूँ, बच्चों क्या आप इस आइलैंड की दूसरी तरफ घूम कर आना चाहेंगे? हाँ, जरूर, हाँ, जरूर। तुर्की, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, तो तुम रुक के मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। क्या मैं जानता हूँ, जानता हूँ, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ, मजे करना। ठीक है, बाय बाय। चलो दोस्तों, आज तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? क्या? हाँ हाँ? वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे डरने की आवाज आ रही है। वो, 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 वो। और तुम्हारे दांत कांपने की भी। हाँ? और ये तो एक कोमोडो ड्रैगन है। चलो भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था मुझे आवाज आ रही थी। चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं। जल्दी चलो। कॉफी इंसान को अरेबिया का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। सही कहा। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। लगता तो नहीं कि ये यहाँ से कहीं जाने वाला है।
नानो इसे भगा देगा। नानो, क्या तुम इस कमोडो ड्रैगन का ध्यान भटका सकते हो? जरूर मंसूर, कमोडो ड्रैगन को अटकाने का काम अब शुरू होता है मंसूर। हाँ, चलो भी। जंगलों में जब ये उग रहे होते हैं, इन बीन्स की कोई खास कीमत नहीं होती है तुर्की, पर एक बार एक कॉफी बन जाए ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें बन जाती हैं, समझ गए तुम? ठीक हूँ। माफ करना, मैंने बिना देखे भागा। मैं कोमोडो ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा था। कहीं ये वही कोमोडो ड्रैगन तो नहीं जो बहुत वक्त से मेरी फैमिली को सता रहा है? हमारे पास पहले 4 भैंसे थी जो खुशी खुशी हमारे खेतों में घास चरने जाती थी। फिर एक गायब हो गई और हमारे पास 3 ही रह गई, और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 ही रह गई, और अब हमारे पास एक ही भैंस बची है और वो इतनी डरी और घबराई हुई रहती है कि उसने दूध ही नहीं छोड़ दिया है। एक तरकीब है जो इस कमोडो ड्रैगन की दिक्कत को हल कर देगी, तो सुनो। हंड्रेड मीटर्स, 75 मीटर्स, 50 मीटर्स। वो आ रहा है। 25 मीटर्स, 15, 10 मीटर्स, भागो! हीचो! दोस्तों, मेरे ख्याल से अब कमोडो ड्रैगन की आने की आवाज अब सब सुन पाएंगे। वो रहा वो घटिया सा कमोडो ड्रैगन, भागो यहाँ से। सारे अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग किस्म की मिट्टी और रोस्ट करने की तकनीक से बनते हैं। समझ गया नासिर। बहुत ही गजब की बात है, इसमें मिलने वाले फ्लेवर्स की लिस्ट मानो कभी खत्म ही नहीं होगी, और अभी तक हमने आफ्टर ब्रू एडिटिव्स का नाम लिया ही कहाँ है, जैसे कि कैरेमल या वेनिला। दोस्तों, यकीन मानो नासिर कोमोडो ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला था। तुम देखते तो हैरान हो जाते। सच में? सच में, मैं बता रहा हूँ ना, वो इतने करीब था। हम भी काफी करीब आ गए थे, पर हम भागे नहीं। सच में, तुम मानोगे नहीं, पर हमने एक परिवार के खेत को कोमोडो ड्रैगन से बचाया। ड्रैगन को हरा दिया। वो भी एक घंटी से। क्या हुआ नासिर? मैंने कहा था ना, कोमोडो ड्रैगन नासिर को अपना नाश्ता बनाने वाला था। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? मैंने कोशिश की थी। तुमने तो कोमोडो ड्रैगन की याद दिला दी। क्या कहा? कोमोडो ड्रैगन कहा? Ha 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 ha